स्वागत है आप सभी का लॉस सैंटोस न्यूज में। मेरा नाम है आलिया। जी हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम आलिया रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 9292992992 पे कॉल करिए और बिना आपके टाइम वेस्ट करे और मेरे भी टाइम वेस्ट करे, हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ। ये खबर अपने लॉस सैंटोस से आती है। एक यूट्यूबर जिनका नाम है वेरी न्यूक्लियर जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही कंसिस्टेंट हो गए और सभी लोग हो रखे परेशान। उनके फैंस ये जानना चाहती है कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। कईयों का तो ये कहना है कि उनके रूप में कोई भैरूपी आ गया है जो उनके चैनल चला रहा है। लेकिन आप सभी लोग चिंता मत करिए क्योंकि इसके सच को हम जानेंगे। चौप, सारे दरवाजे बंद कर दे, पता नहीं आलिया का बच्चा कहाँ से घुस जाए। ठीक है, और न्यूक्लियस आप लोग प्लीज चिंता मत करो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं ही चला रहा चैनल, योर फ्रेंडली नेबरहुड वेरी न्यूक्लियर। इस टीवी वाले की तो मैं बैंड बजा के रहूंगा लेकिन आज नहीं। चौप, आर यू रेडी माय फ्रेंड? हाँ। बॉब कहाँ पर है, नजर नहीं आ रहा? वो नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं, वो आ रहा है, नीचे रेडी हो रहा है। क्या रेडी हो रहा है? तू यही रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। न्यूक्लियस, क्या आप लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना है? बॉब का बच्चा रेडी हो रहा है, हम भी देखे जरा। मैं हूँ बॉब, बॉब दी हैंडसम। अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। मेरे प्यारे बॉब दी हग्गू, ये मेरा रूम है। रूम क्या, घर भी तेरा ही है नूप। शायद से तू नए रूल के बारे में भूल गया है। मेरे को टॉयलेट में हगना है और फिर हगने के बाद फ्लैश करना है। मैं उसके बारे में नहीं, नो बॉब अलाउड इन द हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बार के लिए माफ कर दे, देख मैंने कहीं पर भी नहीं हगा। और वैसे भी बाहर मिरर नहीं है टू चेक आउट माय हैंडसम फेस। वैसे ये सही बोल रहा है, इस बार इसने कहीं पर भी घर के अंदर नहीं हगा। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से रेडी होकर आ जा। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, आर यू रियली न्यूक्लियर? मेरा मूड चेंज होने से पहले जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट। तो न्यूक्लियस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग जा रहे हैं एवेंजर से मिलने के लिए। टोनी स्टार्क ने अपना घर अपग्रेड कर दिया है। और इस बंदर को इनवाइट करा है? जी हाँ, जैसा इन दोनों ने बोला। और हमारी लैम्बो को देखो यार, फुली अपग्रेडेड लिबर्टी वॉक एडिशन। बीच में क्यों बोल रहा है, और जल्दी रेडी हो जा वरना हम तेरे को छोड़ के जाने वाले हैं। डोंट डू दैट। ओके प्लीज, अपनी ये सडियल सी एक्टिंग बंद कर। गाड़ी को बाहर निकाले काफी दिन हो गए, चलो काम कर रही है। और चौप, तेरे को क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़ा है, जल्दी बैठ जा। बॉब का वेट कर रहा हूँ, आ गया, चलो चलती है। आइए लेट्स गो। चौप, तूने बोला कि बॉब आ गया है, अच्छा ऊपर है क्या? कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजे आ गए। बच गए। बॉब डर मत, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा है। ऊपर बैठ के गलती कर दी मैंने। टोनी के घर गए हुए काफी टाइम हो गया, हम लोग एक काम करते हैं, उसके लिए फ्रूट्स ले लेते हैं। मेरे लिए वाटर मेलन लिया। ठीक है, अगर होगा तो ले लूंगा। What do we have here? Peaches, melon, apple, berries, nuts. Looks like इनके पास सब कुछ है। भैया एक फ्रूट्स का गिफ्ट रैप कर देना और 2 किलो या 5 किलो वाटर मेलन भी दे देना। अच्छा ठीक है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये सिगरेट बंद कर दीजिए। पर चेक कर ले तो फ्रेश है ना? हाँ फ्रेश ही है। व्हाट अबाउट माय वाटरमेलन? अभी ठूसेगा क्या? अपने घर का एड्रेस दे दिया है, वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, चिंता मत कर। ओके थैंक यू। चलो तो फाइनली हम लोग चलते हैं टोनी स्टार्क के नए घर पे। ये क्या हो रहा है? बचाओ कोई! गाड़ी को दौरे पड़ गए। हाँ चौप, ये तो बड़गड़ हो गई है। बड़गड़ नहीं, गड़बड़। मेरा मतलब भी वही था। मैं अपने पंजे जोड़ रहा हूँ, वो सब छोड़ो, गाड़ी को रोको। बॉब आई एम सॉरी बट अब ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे तैसे रोक वरना मैं तेरी गाड़ी पे हक दूंगा। बाहर खोदने का आइडिया काम कर गया। बच गया? नहीं, मेरी प्यारी लैम्बोर्गिनी लिबर्टी वॉक एडिशन टूट गई। एक दरवाजा तो यहाँ पर है और दूसरा पता नहीं कहाँ पर है। ऐसे टाइम पे भी राइम कर रहा है। टेंशन मत लो, टीटू भैया है ना, ठीक कर देंगे। हाँ तूने सही बोला, और वैसे भी उदास होने का क्या फायदा, एटलीस्ट हमारे फ्रूट्स तो सेफ है ना। फ्रूट्स को छोड़, हम सभी लोग भी तो सेफ है। न्यूक्लियर थोड़ा आराम से चलाना। बॉब दी फट्टू, भीगी बिल्ली है क्या? नहीं, 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 रुक जा। मेरे को ऐसा क्यों लगा कि बॉब की आवाज हमें छोड़ के कहीं दूर जा रही है? क्योंकि ऐसा सही में हुआ, वो उड़ गया। ओ नो, ये क्या हो गया, बॉब को छोड़ दिया। न्यूक्लियस एक बैड न्यूज है, बॉब मिल तो गया लेकिन हमारा एक एप्पल उड़ गया। मीर को उड़ाया, उसको लेके उदास नहीं है, एप्पल कोने को लेके है। क्या करे गाइस, यही जिंदगी है, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती, लेकिन आपको बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या बोला, छोटी मोटी चीज? यही भी टपक जाता आज मैं। बॉब तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अगर वैसे हो भी जाता ना तो तेरे लिए बहुत अच्छा फ्यूनरल लगते। मतलब कॉन्फिडेंट है कि जल्दी टपकने वाला हूँ मैं। फाइनली बाहर एक पार्किंग है। नाइस, क्या अपग्रेड है, पहले नहीं था ना ये? नहीं, अपग्रेड से पहले नहीं था। ऑल्सो सो मेनी ब्यूटीफुल कार्स, बट हमारे लिए यहाँ पर पार्किंग जगह नहीं है। क्या
क्या बात है यार, मेरे पार्किंग स्किल्स तो काफी इंप्रूव हो गए। वो तो दिख ही रहा है। ठीक है तो मेरे प्यारे डॉगीज फॉलो मी। मेरे ऊपर ये बास्केट क्यों रखा? बॉब जिंदगी में पहली बार तो किसी काम के आया है, प्लीज। ओके, वैसे भी आई एम स्ट्रॉन्ग। बढ़िया, आई ट्रस्ट यू माई फ्रेंड। और ये गाड़ी भी कितनी बढ़िया है, देखो अगर इस पे खरोच पड़ेगी तो क्या होगा। ओ क्या बात है, एक और नई चीज, 10880 मैलिबू पॉइंट। ये तो कुछ नहीं है, आगे देख स्पेसशिप है। मेरे दोस्त ये स्पेसशिप नहीं मिलानो है। बिस्किट वाली क्या? नई भुक्कड़ उड़ने वाली मिलानो। इसका मतलब यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी हो सकती है। वही तो, आज हम काफी सारे सुपर हीरो से मिलने वाले हैं। क्या बात है न्यूक्लियस, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कितनी चेंजेस कर रखी है। ऊपर जो ये पार्टी एरिया है पहले नहीं हुआ करता था, और इस तरफ तो एक पूरा टेनिस कोर्ट ही आ गया। इससे क्रिकेट ग्राउंड डाल देता। क्या खो रहे आप छोड़ी, जो अमेरिकन है ना क्रिकेट के बारे में फटाई नहीं उसको। क्या बोला इसने, बढ़िया शॉट? या तो न्यूक्लियर पागल हो गया या फिर ये दोनों। दोनों में से कोई भी नहीं, लगता है वांडा ने जादू कर रखा है। सिर्फ इन्हीं को दिख रहा है अपोनेंट, हमें नहीं। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। गलती से भी उन दोनों ने मेरे को देख लिया तो नहीं छोड़ने वाले। क्या बात है, पूरा एरिया अपग्रेड। हाँ ये रेलिंग्स पहले नहीं थी और शायद डिजाइन भी थोड़ा चेंज हो गया है। और ये देखो ये वाला रूम पहले नहीं था। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। एक नॉर्मल सा बाथरूम, स्विमिंग पूल है, फिर बाथरूम की क्या जरूरत। देख बॉब तेरे जैसे प्राणी पूल में सुसु कर देते है ना, और अगर कोई उस पूल में होगा तो उसके बाद वो सीधा बाथरूम में ही तो आएगा, है ना। सही बोला, नाइस एग्जांपल। ये देखो यहाँ से कोई देखेगा तो शेम शेम पप्पी शेम। क्या बात है, गैराज में भी चेंजेस हो गए। गुड डे सर, आई हैव असेंबल्ड योर कार पार्क। आइए यूक्लिस देख रहे हो, इसका भी पूरा डिजाइन चेंज हो गया। नीचे देखो यार कितना रिफ्लेक्टिव है। वो सब छोड़ो, पुरानी गाड़ी हटा दी। वही सोचू मैं कि गैराज इतना स्पेशियस क्यों लग रहा है। यूक्लिस अब सभी लोगों के लिए एक चैलेंज, इस घर में जितने भी अपग्रेड्स हुए हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। लेट्स सी कि आप लोग उसको फाइंड आउट कर पाते हो कि नहीं। बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अपनी न्यूक्लिस कम है क्या? मैं जानता हूं वो लोग आराम से कर देंगे। हाँ मेरे को भी पूरा भरोसा है। अरे यार ये क्या, टोनी ने तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कराए। नहीं कुछ तो हो रहा है, आवाज आ रही है, कॉलिंग प्लेटफॉर्म डाउन, ये अब काम करता है। एक एलिवेटर घर पे भी लगवा देते हैं। मिस्टर बॉब दी आलसी, यूज करना सीखो। और ये क्या हो गया, व्हाट, कोई बचाओ मेरे को, मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। ओके वंस मोर, इस बार प्लीज मेरे को नीचे गिराना, मैं आरम पार चले गए दीवार के। न्यूक्लियर में ये शक्तियाँ कब आई, आई डोंट नो। और मेरे को ये एलिवेटर अब बिल्कुल भी यूज नहीं करना। टप टप करके आवाज आ रही है, ये पक्का कैमरा का साउंड है यहाँ पर इस टाइम पे। कैमरा, अरे पीटर ये कैमरा कहाँ डाल रखा है इसने। अरे वाह क्या बात है न्यूक्लियर, कैसे हो। मैं हमेशा की तरह बिल्कुल हैंडसम। और ये तुम लोग क्या कर रहे हो, एक रूट के इंस्टाग्राम के लिए फोटो खींच ले। क्या इस पेड को इंस्टाग्राम है, उससे याद आया, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टा। और स्पाइडी तुझसे मिलके अच्छा लगा, तुम लोग अपनी फोटो खींचो, मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय। ओके बाय बाय। कसम खा रहा हूँ मैं वापस से सड़ियल एलिवेटर को यूज नहीं करूंगा। न्यूक्लियर बना पंची, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, तू ही गड़बड़ है। प्रेस ई टू ओपन द डोर। क्या बात है, सीक्रेट रूम। ये तो कोई खतरनाक डंजन का एंट्रेंस लग रहा है। आज होने वाला है न्यूक्लियर का आखिरी दिन। कोई नहीं गाइस, जैसा एक महान आदमी ने बोला था, एक बार डर के आगे जीत होती है। तेरी मौत भी हो सकती है। बहुत डरा क्यों रहा है ये, क्या मैं तो बेफालतू में डर रहा था। क्यों ऐसा क्या देख लिया, ये देख चौप ऑस्कर के पुतले। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि अब पुतले बनने की बारी तेरी है। नहीं ये एक प्राइवेट थिएटर है, ये देखो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी है। मेले भी लेकर आ जाओ, फ्रूट्स है ना उनको खा ले। न्यूक्लियस आप लोग को याद होगा इस वाले रूम के अंदर हम लोग पहले नहीं जा सकते थे, बट किससे पता आफ्टर अपग्रेड हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। या क्या हो सकता है, कमेंट करो। कुछ कमाल का ही होगा, जैसे कि एक न्यू आर्मर प्रोटोटाइप या फिर एक नॉर्मल सा बाथरूम। ये क्या, टोनी को तो बाथरूम से बहुत प्यार है। सही बोला, कोई नहीं अभी तो बहुत सारे रूम से एक्सप्लोर करने के लिए। न्यूक्लियर जल्दी ऊपर आ। अच्छा आ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया, कैप्टन अमेरिका डांस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या अपग्रेड हो रखा है यार, पूरी फ्लोरिंग चेंज हो गई, क्या शाइन मार रही है। देखो तो सही, एंट्रेंस में भी कितने चेंजेस हो गए हैं। और ये कौन सा दानव है, कितना बड़ा है। वो एक नॉर्मल सा स्टफ्ड एनिमल है। और यहाँ पर आओ जल्दी। आ रहा हूँ बाबा, भसड़ के मचा रही हूँ। अच्छा इसलिए क्या। हेलो न्यूक्लियर, कैसे हो तुम, स्वागत है। न्यूक्लियर आओ, दोनों मिलके इसके ऊपर पैसे फेंकते हैं। नो
थैंक यू टोनी, तू है ना काफी है। कैप्टन तो अच्छा नाच रहा है, कैप्टन ये ले केला ले ले। क्या बात है, आज तो फैल्कन भी आया हुआ है और देखो तो सही अकेले ने तीन बंदों की जगह ले ली। और मेरे प्यारे नौकर बॉब भी तो सही काम कर रहा है। तू ज्यादा बोलेगा तो इनमें जहर खिला के तेरे को खिला दूंगा। जहर खिला के नहीं, जहर मिला के। मेरा मतलब वही था। ओह क्या बात है, डॉक्टर वाटरफॉल न्यूक्लियस आप लोग देख रहे हो अभी कितना हाई क्वालिटी का हो गया है। और ये देखो डॉक्टर ट्री, मजाक कर रहा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट्सएप देख नहीं रहा क्या, मजाक कर रहा हूँ। सार्केज्म छोड़, बोलना क्या हुआ। इन लोगों ने मेरा मिनी बार और भी मिनी कर दिया। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है क्या। वैसे तू सही बोल रहा है, छोटा हो गया नहीं। हाँ मैं उनका छोटा बच्चा बनाऊंगा। आई थिंक अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। बाकी हाउस अपडेट हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।